योग और निरोग आपका स्वागत करता है। नमस्कार मित्रों, सभी योग साधकों को मैं मनोज मेहरा अपने चैनल योग और निरोग पर प्रणाम करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उस समस्या के बारे में जो कि हमारे पास सभी के पास है। मतलब कोई भी व्यक्ति आज के समय में इस समस्या से छूटा नहीं है। मानसिक परेशानी, मानसिक समस्या, अवसाद, डिप्रेशन, टेंशन, कोई ना कोई बीमारी किसी ना किसी वजह से हमें सभी को लगी हुई है। चाहे स्टूडेंट हो, उन्हें पढ़ाई की टेंशन, एग्जाम में पास होने की टेंशन, क्लास में फर्स्ट आने की टेंशन, आगे बढ़ जाए कैरियर की टेंशन, जॉब तलाशने की टेंशन, आगे बढ़ जाए बिजनेस करते हो, बिजनेस में कम कमाई, ज्यादा कमाई, कुछ लेन देन, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी समस्याएं, और आगे चले शरीर बीमार होने लगता है, कमजोर होने लगता है, दुनिया भर की बीमारियां घेर लेती हैं हमें, और भी सामाजिक टेंशन, बच्चों की टेंशन, शादी ब्याह की टेंशन, खाने की टेंशन, खर्चे की टेंशन, हजारों तरह की टेंशन हमारे जीवन में घुसी हुई है। हम कोई भी क्षण ऐसा नहीं बिताते हैं जब हमें कोई समस्या, कोई टेंशन ना हो। यही टेंशन आगे बढ़कर डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है, बीपी का कारण बनती है, कैंसर का कारण बनती है। यही समस्याएं हमारे शरीर को रोगी बनाती हैं। तो हमें ऐसा तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि हमारी टेंशन खत्म हो जाए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो जिंदगी दी है वो हमारी मर्जी से नहीं चलती है। हमें सिर्फ कर्म करते रहना होता है। जो भी होता रहता है, जो भी समस्याएं आती हैं वो हमारी खत्म नहीं हो सकती है, वो आती ही रहेंगी। हम जीवन से भाग नहीं सकते हैं, जीवन में साथ रहकर ही जीवन का आनंद ले सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि वो टेंशन जो है हमारे जीवन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना डाले, उन टेंशन्स का, उन समस्याओं का हमारे जीवन के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े, या हमारे मस्तिष्क उन समस्याओं को, उन टेंशन्स को इस प्रकार से लेने का आदि हो जाए कि हमें परेशानी ना हो, हम सकारात्मक समस्याओं को लें। समस्याएं आती रहेंगी, हम समस्याएं हल करते रहेंगे, जिंदगी में भरपूर जीवन का आनंद लेते रहें, इस प्रकार का कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। उसके लिए ही मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ योगाभ्यास और कुछ एक्सरसाइज या कुछ ध्यान का मिश्रण बना के एक पैकेज बनाया हुआ है, जिससे कि हमारे शरीर की टेंशन से संबंधित समस्याएं खत्म होती हैं। और यदि हमारी टेंशन समस्याएं खत्म हो जाती हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, तो फिर समझ लो हमारा जीवन पूरी तरह से निरोग हो जाता है। फिर हमें और भी कोई शारीरिक व्याधि, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कोई मेंटल प्रॉब्लम, कोई मेंटल डिसीज, कोई फिजिकल डिसीज नहीं रहती है। उसके लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। हल्की सी एक्सरसाइज बताऊंगा मैं, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन करना उस हद तक है कि आपका शरीर थक जाए, बिल्कुल आपका शरीर लगने लगे। आपने उसमें समय का ध्यान नहीं देनी है, 2 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, 3 मिनट करना है, इतना करना है कि आपका शरीर अब कहने लगे कि बस मैं थक गया, मैं गिर जाऊंगा अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं बंद की। बिल्कुल सावधान हो जाएंगे, आराम में हो जाएंगे, फिर उस एक्सरसाइज को बंद कर देंगे, हमारा शरीर उससे अधिक नहीं कर पाएगा, एक लिमिट आ जाएगी, एक थ्रेशोल्ड स्टेज आ जाएगी, तो हम उस एक्सरसाइज को करना बंद करेंगे। उसके पश्चात दूसरे स्टेप में मैं आपको बैठने का तरीका बताऊंगा, आंख बंद करके आपको रिलैक्स करना है, बॉडी रिलैक्स करनी है, और उस समय आपके माइंड में एक पॉजिटिव एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा और आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगी।
आप पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाएंगे, तनाव से रहित हो जाएंगे। यही स्टेप्स में आपकी जीवन शैली में बदलाव आ जाएगा, आपके देखने के नजरिए में बदलाव आ जाएगा, आपके किसी भी कार्य को किसी भी समस्या से लड़ने की क्षमता में बदलाव आ जाएगा। बस उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो हमेशा मैं जनरल सावधानियां बताता हूं उनको फॉलो करना है। खाली पेट हो आप टॉयलेट होकर जाएं, सुबह सुबह गुनगुना पानी पी लें जिससे आपका पेट बिल्कुल खाली हो जाए। उसके पश्चात किसी खुले स्थान पर जाएं जहां पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, ऑक्सीजन का फ्लो आपको फ्रेश ऑक्सीजन का फ्लो आसानी से मिल जाए। जमीन पर कॉटन की शीट बिछा लें, सिर पे कॉटन की कैप लगा लें और फिर आप तैयार हो जाते हैं अपने कार्य को करने के लिए। बहुत ध्यान से समझे, बहुत इजी स्टेप्स में बताने वाला हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको खड़े हो जाना है और पंजों के बल पर आपको ऐसे उठना है। आपकी एड़ियां वापस जमीन पर जाएंगी। श्वासों का ध्यान रखना है, आपने श्वास छोड़ने और लेने हैं, तीव्र गति से लेने हैं और हाथों को ऐसे हिलाना है जैसे कि आपके हाथ बिल्कुल हल्के फुलके हो, ऐसे ही करते रहना है। मुंह बंद रहेगी, मुंह से भी श्वास बिल्कुल नहीं लेना होता है, नाक से श्वास लेना होता है। चाहे तो पैरों में थोड़ा सा अंतर भी कर सकते हैं, इजी हो जाता है। पंजों के बल पर कूदना है, पीछे एड़िया लगनी है जमीन से। समझ पा रहे हैं? मुंह से श्वास छोड़ना है तेजी से, मुंह से नहीं छोड़ना है सॉरी, नाक से श्वास छोड़ना है तेजी के साथ, करते रहना है। जब तक आप करते रहे आपका शरीर थकना लगे, आपको लगे कि मुझे रुकना है। सामान्य गति से प्रारंभ करके तेज गति से, मध्यम गति से होते हुए तेज गति से करते चले जाना है और लगातार स्पीड बढ़ाते चले जा रही है। दो मिनट से पांच मिनट तक प्रारंभ में आप करें और जितना अधिक आपका बढ़ पाए उतना करते चले जाएं। थक जाएं, शरीर टूटने लगे तो आप रुक जाएं। 10-20 सेकंड अपने श्वासों को सामान्य करें, फिर आप दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरे स्टेप में ही आपने श्वास छोड़ दिए, नीचे जाना है और यहां से शुरू करना है। धीरे धीरे नीचे जाना, पीछे हाथ ले जाने, आपने इतना पीछे ले जाने की आपको बिल्कुल आगे आने की हाथ की पावर खत्म हो जाए, लास्ट तक हाथ आपके आगे आ जाए। जैसे ही नीचे जाएंगे श्वास छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा पीछे से जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। इसके लिए आपको भी आपने तब तक करते रहना है जब तक आपका शरीर टूट ना जाए, थक ना जाए कि मेरे से अब नहीं होगा। प्रतिदिन अभ्यास करा रहे हैं, आज 20 बार कर पाए, आज 10 बार कर पाए, 25 बार कर पाए, कल और अधिक करें, परसों और अधिक करें, लगातार बढ़ाते जाए। अपने आप आपके शरीर की आदत प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और आपको फायदा होता रहेगा। देखिए कैसे करते हैं, हाथ यहां से स्टार्ट करते हैं, माथे पर इस प्रकार से बना के रखते हैं और श्वास छोड़ के नीचे फेंकते हैं, हाथ पीछे से आगे ले जाते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों आगे झुकने में समस्या हो सकती है, यदि आपकी कमर में दर्द है तो पहले आपके कमर का दर्द चल जाए, उसके पश्चात इसके लिए आपको करें। पीछे झुकने में कमर की दर्द वाले व्यक्तियों को कोई समस्या नहीं होती है, आगे झुकने में समस्या होती है। यदि आपके पेट का या हार्निया का कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है, तो फिर आपको आगे झुकने में प्रॉब्लम होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ देर इस प्रकार से करेंगे, नाक से श्वास से फेंक रहे हैं,
कुछ देर नाक से ध्वनि सी करेंगे, मुंह तो बिल्कुल बंद रहेगा आपने, मुंह से बिल्कुल मुंह खोल के श्वसन नहीं करना है। किस प्रकार की ध्वनि करेंगे, ऐसे क्लियर है जाएगी, सिर्फ एक ध्वनि का स्टाइल बदल जाएगा। इस प्रकार से आपने ये क्रिया करनी है, कोई समय की पाबंदी नहीं है, जब तक आपका शरीर पूरी तरह से थक ना जाए, यह ना लगने लगे कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, इतनी देर तक आपने यह क्रिया करनी है। जब आप यह क्रिया लगातार करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा श्वास चढ़ जाएगा, उसके लिए आप बैठ जाएं, जिस भी क्रिया के बाद जहां भी आपको श्वास चढ़ जाए बैठ जाएं, थोड़ी देर लंबे गहरे श्वास लें, पूरा लंबा ऑक्सीजन फुल करें अपने फेफड़ों को और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। यदि आपको अभ्यास होने लगे तो आप श्वास को थोड़ी देर अंदर को रोक भी सकते हैं। लंबे गहरे श्वास लेने से आपकी सामान्य श्वास की गति सामान्य हो जाती है, क्योंकि जब अपने आप खड़े होकर वो क्रिया की है तो आपके श्वास की धड़कन श्वास की गति बढ़ जाती है, धड़कन तेज हो जाती है। और धड़कन से संबंधित एक बात का विशेष ख्याल रखें, यदि आपको कोई हाई बीपी या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो अधिक आपकी धड़कन बढ़ने लगे, आपकी श्वास की गति सामान्य से अधिक होने लगे तो आप रिलैक्स करें, आप धीरे धीरे प्रयास करें। ज्यादा तेज धड़कन बढ़ना या ज्यादा तेज श्वास चढ़ जाना बहुत दिक्कत वाला है, आपके लिए समस्या हो सकती है, इसलिए वो लोग ध्यान रखें। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं, धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाएं। प्रारंभ में 2-4-5-10-20 बार कर पा रहे हैं, उससे अगले दिन और 2 बार बढ़ाएं, उससे अगले दिन और 4 बार बढ़ाएं, धीरे धीरे करें, सामान्य गति से करें। गति को बढ़ाने की पहले दिन से तेजी की आवश्यकता नहीं है, सामान्य गति से सरलता के साथ सहजता के साथ यदि आप प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने आप स्पीड से कर पाएंगे, जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना अधिक आपका लाभ बढ़ता जाएगा। प्रारंभ में थोड़ा लाभ होगा, कोई समस्या नहीं है, आप अपनी टेंशन ना बढ़ाएं कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है, तो टेंशन तो हमें खत्म करनी है, इसलिए हमें टेंशन नहीं बढ़ानी है। सहजता के साथ बिल्कुल सहज हृदय और सहज मस्तिष्क के साथ हमें यह क्रिया करनी है, जो हमने खड़े कर करी क्रिया आप समझ गए हैं। अब बैठ जाएंगे हम, श्वास हमारे सामान्य हो चुके हैं, लंबे गहरे श्वास लेते हैं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। अब जब हमारा श्वास सामान्य हो जाता है तो हम बैठने की कोई भी क्रिया अपना सकते हैं, पालथी मार के बैठ जाए, मैं पद्मासन लगा के बैठा हुआ हूं, आप सुखासन में बैठ जाए, बाएं पैर नीचे रखें उसके ऊपर दाएं पैर रख लें, किसी भी तरह से बैठ जाए, बस ध्यान रखना है आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, एक ही सीध में एक ही लकीर में आपकी कमर और गर्दन रहे, मेरुदंड बिल्कुल मुड़े ना, बिल्कुल झुके ना, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे। उसके पश्चात आप आंख बंद कर लेंगे, बिल्कुल आंख बंद कर लेंगे, लंबे गहरे श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करेंगे। इसमें भी कोई समय की बाध्यता नहीं है, कोई गिनती की समस्या नहीं है, आपने 5 बार कर पाए, 11 बार कर पाए, 21 बार कर पाए, 51 बार कर पाए, आप गिनती के ऊपर ध्यान ही ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिनती तो इसलिए बता दी जाती है ताकि आपको यह ज्ञात रहे कि मैंने कल 10 बार किया था तो आज मुझे 11-12 बार करना है, क्योंकि हमें प्रतिदिन अपना समय बढ़ाना ही होता है, इसलिए गिनती की बाध्यता रखी जाती है, जिससे कि आपको ध्यान रहे आपने कल कितना किया था। आंख बंद करेंगे, सहज भाव से लंबे गहरे श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना है आपने, जितनी बार भी कर पाए।
जितना लंबा सांस आप भरकर ओम का उच्चारण प्रारंभ करेंगे, ओम की ध्वनि का प्रारंभ करेंगे, ओम चांटिंग करेंगे, उतना ही आप लंबा ओम को सबको खींचते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे। और यह ध्यान रखें, इसको एक करने का तरीका यह है कि जब आप ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो 70% तो आप ध्वनि ओ करें, और बाद में जब 30% आपको लगे कि श्वास रह गया है, 30% खत्म हो जाए, तो मैं का उच्चारण करें। देखिए किस प्रकार ओ, पूरी सहजता के साथ करना है, पूरे तरह से इस उच्चारण में समाविष्ट हो जाना है, अपने अंदर ही खो जाना है। बाहर की किसी क्रिया विधि के ऊपर, किसी आवाज के ऊपर कोई आवाज हमें नहीं आनी है। हमें इस प्रकार करना है कि हमारे शरीर के अंदर से पूरी रोम रोम से, पूरे कण कण से, पूरी नस नाड़ियों में सिर्फ एक ओम के उच्चारण की हमें आवाज आए, हमें और कोई आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल सहज हो जाएंगे, कोई जल्दी, कोई जबरदस्ती किसी भी प्रकार की किसी समस्या को याद नहीं रखेंगे, सिर्फ भूल जाएंगे। सिर्फ हमारे मुंह से ओम का उच्चारण निकलता रहेगा और हम करते चले जाएंगे, जब तक करते चले जाएंगे जब तक हमें लगने लगे कि हमें बाहर की सभी समस्याएं, कुछ ना कुछ तो प्रारंभ में समस्याएं दिमाग में आती हैं, कुछ विचार आते हैं, धीरे धीरे वो सब नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ ओम की ध्वनि के ऊपर ही हमारा ध्यान गहराता चला जाएगा। पूरे शरीर के अंदर से, शरीर के एक एक रोए से, एक एक अंग से, एक एक नस नाड़ी से, हर जगह से हमारे शरीर से सिर्फ आवाज आएगी ओम के उच्चारण की। जब हमें ऐसा महसूस होने लगे कि बाहर की कोई भी आवाज हमें आनी बंद हो गई है, तो हम ओम का उच्चारण मुंह से बंद कर देंगे, गर्दन को नीचे लटका लेंगे, बिल्कुल सहजता के साथ ऐसे हो जाएंगे जैसे हमारे अंदर प्राण नहीं है, अब हम लटक गए हैं, और उसी गति से, उसी आवृत्ति से, उसी तीव्रता के साथ ओम का उच्चारण चलता रहेगा। सिर्फ आवाज करनी बंद कर देंगे, मुंह बंद हो जाएगा, लटक जाएगी हमारी गर्दन, सहज हो जाएंगे, और अंदर ही अंदर वही उच्चारण उसी तीव्रता के साथ चलता रहेगा। उसी गति से हमारी श्वासें चलती रहेंगी, बिल्कुल सहज रहेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल रिलैक्स मूड में हो जाएंगे, हमारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा, पूरे शरीर में, एक एक नस नाड़ी में, सभी जगह पर बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बाहर की आवाज हमें आनी बंद हो जाएगी, हम अंदर ही अंदर श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करते रहेंगे, श्वास आती जाती रहेंगी सामान्य गति से, हम ओम का उच्चारण अंदर ही अंदर करते रहेंगे सहजता के साथ, बिल्कुल सरलता के साथ, कोई टेंशन नहीं, कोई विकार नहीं। मन में भाव रखेंगे कि एक परम पिता परमात्मा जो कि सर्वोच्च है, वो हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उससे ऊपर से एक सात्विक ऊर्जा हमारे ऊपर आ रही है, हमारे पूरे शरीर में वो सात्विक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, हम सहजता के साथ बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं पता है हमारे शरीर के बाहर क्या हो रहा है, सिर्फ अंदर ही अंदर अपने शरीर के अंदर खो जाएंगे, बिल्कुल बाहरी दुनिया से संबंध समाप्त हो जाएगा, अपने शरीर के सभी अंगों के ऊपर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, हम बिल्कुल सहज हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, निर्विकार हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता होगा क्या हो रहा है, बस अंदर श्वासों के साथ ओम का उच्चारण चलता रहेगा। जितनी भी देर आप सहजता के साथ कर पाए, आज 2 मिनट करें, कल 3 मिनट करें, परसों 5 मिनट करें, और बढ़ाते चले जाएं, करते चले जाएं, जितना भी सहजता से करें, उसके पश्चात जब आपको लगे कि अब आपको शरीर धकने लगा है, कमर गर्दन में दर्द होने लगा है, तो फिर आप धीरे से आंखें खोलें, आंखों को हल्का सा हथेलियां रगड़कर मसाज कर लें, आप पाएंगे कि आपके जीवन में नया उदय आ चुका है, आपका शरीर सहज हो चुका है। कोई भी समस्या आपको जिंदगी में फिर आएगी तो आप उसको बिल्कुल सामान्य भाव से लेंगे, किसी भी समस्या से विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आपकी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, आपके शरीर में कोई भी बीमारी किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी, आप निरोग हो चुके हैं, आपका बुद्धि तीव्र हो चुकी है, आपकी एकाग्रता बढ़ चुकी है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, सभी प्रकार का, सभी समस्याओं का यह समाधान है दोस्तों, हर प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, आपका जिंदगी को जीने का नजरिया बदल जाएगा, सकारात्मक भाव से सारे कार्य करेंगे। यह बहुत ही सरल प्रयोग है, बहुत ही आसान विधि है, बस आपने थोड़ा सा शरीर को थकाने वाली शुरू में एक्सरसाइज करनी है, उसके पश्चात ओम शब्द का उच्चारण करना है। एक बात और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं हमारा धर्म, हमारा मजहब अलग है, हम ओम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी शब्द को अपने आसानी से, अपने आप इच्छा से चुन सकते हैं, चाहे अपने नाम का उच्चारण कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें क्या करना होता है, उस उच्चारण से
हमारे शरीर में नस नाड़ियों में सभी में मस्तिष्क की एक एक नस में हमारे बाहर से संबंध टूट जाता है, वाह्य संबंध खत्म हो जाता है, हम अपने शरीर में ही चले जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर इतनी अथाह ऊर्जा है जो हमारे शरीर की एक एक परेशानी को दूर कर देती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप यह भी ना समझें कि आपको ओम शब्द का उच्चारण करना है, आप किसी भी शब्द को ले लें, बस उससे उच्चारण से आपका ध्यान बाह्य संपर्क से बाह्य जगत से टूट जाता है और आप अपने अंदर अंदर गहराते चले जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरी तरह से यह प्रयोग आज का समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो 5 से 7 दिन में ही आपको इतना अंतर अपने जीवन के ऊपर दिखाई देने पड़ेगा, इतना ज्यादा प्रभाव आपको पता चलने लगेगा कि आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाएगी, आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपसे अनुरोध है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके मिलने वाले परिचितों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सभी को इससे फायदा हो। और मेरे चैनल को योग और निरोग को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आप उसके लिए मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको कोई भी समस्या हो व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या फायदा हुआ या आपको कोई समस्या आ रही है आप उसको कभी भी पूछ सकते हैं। सभी कमेंट्स का मैं जवाब तुरंत नहीं दे पाता हूं लेकिन देता जरूर हूं, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी कमेंट को इग्नोर करूं, मैं सभी का जवाब देता हूं। आज के लिए काफी है दोस्तों, करते रहें योग, बिल्कुल हो जाए निरोग। जय हिंद, जय भारत।